नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं देव कुमार, पीएचडी इतिहास, एक बार जेआरएफ 4 बार नेट पास। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो मोटिवेशन वीडियो है। इसके बनाने का जो एक कारण है दोस्तों, ये है कि अभी एग्ज़ाम यूजीसी नेट का एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है, उसमें 6% बच्चे ही केवल पास हुए हैं जो नियम के अनुसार, और 94% बच्चे फेल हुए हैं। दोस्तों, बहुत फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास में, सर मैंने बहुत मेहनत की थी, मैं क्या करूं दोस्तों, बच्चे रो रहे हैं। दिल यार, दिल जो है ना मेरा एक द्रवित हो गया यार। फिर मेरे मन में से आवाज़ आई, यार उन बच्चों के लिए ज़रूर एक वीडियो बनाई जाए जो मेहनत करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद, दिन रात मेहनत की, उन्होंने फेल हो गए। दोस्तों देखो, ये जो एग्ज़ाम है ये 6% ही पास करवाता है सभी कैटेगरी के बच्चों को, हर एक सब्जेक्ट में 6%, चाहे 1 लाख बच्चों ने फार्म भरा हो तो 6000 बच्चे पास होंगे, ठीक है। तो देखो, जो बच्चे फेल हो गए हैं उनके लिए और जो बच्चे पास हो गए हैं उनके लिए मैं एक मिक्स एक वीडियो लाया हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उनकी जो नेट जेआरएफ पार हो गए हैं, पास हो गए हैं, ठीक है। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो ये है कि जब आपको कोई रास्ता या अपनी ज़िंदगी का कुछ फैसला नहीं ले पाओ तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो, मेरा भी अनुभव है कि मैं भी एक समय ऐसा फंसा था, परंतु मैंने देखो कुछ मोटिवेशन वीडियो को देखा, थॉट को पढ़ा, ठीक है, कुछ खुद मोटिवेट हुआ, तब एक फैसला लिया कि भाई लड़ा जाएगा, हिम्मत नहीं हारने जाएगा, वरना दोस्तों मुझको ये दुनिया जो है ताने मार मार के मार देगी, ठीक है। तो मैंने कहा भाई मैदान में डटूंगा, मैदान में लड़ूंगा, मैं चाहे कितनी भी दोस्तों ताकत मुझे रोकने का प्रयास करें। तो देखो भाई, नेट जेआरएफ करने के बाद क्या करें, ठीक है, और जो बच्चे फेल हो गए हैं वो क्या करें, किस तरीके से तैयारी करना शुरू करें, ठीक है, ताकि अब की बार में नेट जेआरएफ हो सके, ठीक है। दोस्तों देखो, मैं तो इसमें ये नहीं कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये वीडियो ऐसी नहीं है, क्योंकि देखो आप वैसे दोस्तों नर्वस फील कर रहे हैं, निराश हैं, उदास हैं, हताश हैं, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी दोस्तों आपके हाथ में असफलता ही लगी है। तो दोस्तों देखो, मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई जो बच्चे पास हो गए हैं, नेट जेआरएफ कर लिया है, उनको सबसे पहला काम क्या करना चाहिए। नंबर वन, अगर देखो किसी का नेट हुआ है तो नेट, और जेआरएफ हुआ है तो जेआरएफ, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले देखो, उनके सामने दो ऑप्शन खुलते हैं, जो पास हो गए हैं उनके सामने दो ऑप्शन खुलते हैं। पहला खुलता है आपका जॉब के लिए, यानी कि आप सीधा असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरिए और जल्दी से अपनी नौकरी पक्की कीजिए। अगर आप यानी कि फॉर्म नहीं निकल रहे हैं तो दूसरा रास्ता उनके लिए ये है कि आप अपना पीएचडी में एडमिशन लीजिए, ठीक है भाई। देखो, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लोगे तो नेट वालों को भी 8000 रुपये पर मंथ मिलेंगे और जेआरएफ वालों को लगभग 35,000 से 40,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे 5 साल तक, ठीक है। तो देखो, बिल्कुल भी देर नहीं करनी है नेट जेआरएफ वालों को, खासकर जेआरएफ वालों को, क्योंकि इनकी जो फेलोशिप होती है जेआरएफ की वो 2 साल तक वैलिड होती है। अगर आपने 2 साल के अंदर अंदर किसी संस्थान में पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया तो आपका जेआरएफ लैप्स हो जाएगा, वापस हो जाएगा। तो
तो भाई मैं गुजारिश कर रहा हूँ जो भी GRF कर चुके हैं वो जल्दी से जल्दी PhD में एडमिशन लीजिए, ठीक है, या अपनी जॉब लीजिए। घर मत बैठिए, बिल्कुल नहीं बैठना दोस्तों, वरना जंक लग जाएगी आपके, ठीक है। कहते हैं लोहे को दोस्तों पड़े पड़े जंक लग जाती है, इसी प्रकार घर बैठे बैठे आपको जंक लग जाएगी, आपको बिल्कुल नहीं बैठना है, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन आपके लिए हैं। अब जो असफल दोस्तों हो गए हैं उनके लिए अब मैं शुरू करता हूँ वीडियो। देखो उनके लिए दोस्तों सबसे पहले मैं ये शुरुआत करना चाहता हूँ कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों ये कहा है हरिवंश राय बच्चन जी ने, उनकी कविता से बहुत लोग प्रेरणा लेते हैं जब ज़िंदगी में थक जाते हैं। दोस्तों मैंने भी दोस्तों यही कहा था, यही जो है सुना था, ठीक है। तो देखो उनके सामने क्या चीज़ है, उनके सामने कई चीज़, देखो पूरी वीडियो है, पूरी देखना, बहुत सारे थॉट मैं आपके लिए लाया हूँ ताकि आप हताशा, निराशा, उदासी, नेगेटिविटी, ठीक है, बहुत चीज़ों से आप संघर्ष कर रहे हैं, अपने माता पिता के तानों संघर्ष कर रहे हैं, भाई के तानों संघर्ष कर रहे हैं, पड़ोसी के तानों से संघर्ष कर रहे हैं, किस तरीके से निकलोगे आप। कई फोन आ चुके मेरे पास में, सुसाइड करने का मन कर रहा है, क्या करूं मैं, कुछ मोटिवेशन बताओ। दोस्तों मैंने सोचा भाई उनके साथ में मैं जरूर खड़ा रहूंगा, मुझे उनके लिए एक वीडियो बनानी पड़ेगी। मैं देखो जा नहीं सकता सभी के पास में, उनके फीलिंग को मैंने महसूस किया क्योंकि मैं उस चीज से गुजर चुका था, उस समय से गुजर चुका हूं मैं। दोस्तों उनके सामने कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं मैं। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो 6% जो बच्चे पास होने थे वो हो गए, अब 94% में आप हो जो फेल हो गए हैं, ठीक है। अब उनको क्या करना है कि भाई आपको घर नहीं बैठना, थाली नहीं बैठना, ठीक है, वापस मत लौटना। मैं कह रहा हूं यानी कि जहां तक आप इस लेवल तक आ गए हैं आपको वापस नहीं लौटना। एक अपने आप को से कहो दोस्तों एक चांस और, एक चांस और, ऑल इज वेल, सब अच्छा होगा, एक चांस और। दोस्तों वो क्या करें, देखो दोस्तों सेल्फ स्टडी, या तो सेल्फ स्टडी कीजिए दोबारा से या किसी कोचिंग में जो है जॉइन कीजिए बहुत जल्दी, ठीक है। अगर किसी के पास में थोड़ा बहुत दोस्तों पैसे हैं तो कोचिंग जॉइन कर लीजिए, अगर थोड़ी सी आर्थिक तंगी है तो सेल्फ स्टडी कीजिए। मैं पढ़ाता हूँ दोस्तों, परंतु मैं किसी से नहीं कहता कि भाई आप मेरा कोर्स जॉइन कीजिए। मैंने कहा कि अगर जॉइन करना है तो नंबर पर संपर्क कीजिए, मैं ये बोलता हूँ। तो सेल्फ स्टडी दोस्तों आपको क्या करना है, देखो आज की वीडियो मोटिवेशन वीडियो है, कम से कम 6 से 8 घंटे पढ़िए, ठीक है, 6 से 8 घंटे पढ़िए, थ्योरी पढ़िए, उसके फिर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़िए। देखो ये तो प्लानिंग थी, और एक वीडियो मैं अलग से लाऊंगा तब मैं पूरी तरीके समझाऊंगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो देखो दोस्तों मोटिवेशन आज का है क्योंकि आप हताश हैं, निराश हैं, आपको दोस्तों एक कहते हैं ना तिनका का सहारा चाहिए। अब समझा दोस्तों, बहुत ताने सुने आपने 3-4 दिन में, बहुत जुलम ढाए आप सभी ने आपके ऊपर, अब बस करो, कह दो बस यार, बस करो सब, अब मैं एक ट्राई और करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, एक ट्राई और, कह दो एक ट्राई और आर्या पार कर दूंगा। दोस्तों 2017 में मेरा PhD में एडमिशन हुआ और मैं 4-5 लगातार फेल हुआ, ठीक है, कुछ बुक वगैरह नहीं थी ज्यादा। तो हमारे सर ने कहा, जो हमारे प्रोफेसर थे, वो कहा बेटा बहुत शर्म आ रही है मुझे क्योंकि मेरे 4 छात्र हैं, चारों ही नेट पास नहीं है। तो भाई वो मुझे बहुत बेइज्जती महसूस हुई। मैंने कहा, मैंने सर के चरण चूमे, सर
अगर अब की बार में नेट नहीं हुआ ना, नेट जरा कुछ भी नहीं हुआ इनमें से, दोस्त सर मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। तो दोस्तों यकीन नहीं मानोगे, इतनी मेहनत करी मैंने, आप यकीन नहीं मानोगे, 17-17 घंटे मेहनत की मैंने। यकीन मानो या मत मानो दोस्तों, मुझे पता है ना, 17-17 घंटे मेहनत की, और देखो उसका परिणाम ये हुआ, 4 बार लगातार नेट एक बार जर्प हुआ, और आज आपके सामने मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, इसमें 15-16 का नेट जर्प हो चुका है, 36-37 का जो है नेट हो चुका है। अब मैं दोस्तों PhD हो चुकी है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, पहला आपका आपके लिए मैंने थॉट लाया हूँ कि जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है, डरने वालों को नहीं मिलता कुछ, जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। दोस्तों देखो, मैं आपको इन्हीं थॉट के माध्यम से मोटिवेट करने आया हूँ इस वीडियो में, ताकि आप मोटिवेट हो सको, ठीक है। देखो इसकी PDF में अपने ऐप पर अपलोड कर दूंगा, अगर आप चाहते हो कि भाई इसको हम PDF में भी ले लें। दूसरा आपके लिए दोस्तों थॉट है कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों ये मोटिवेशन देखो, मैंने देखा था कि हर एक जो भी प्राइवेट कंपनी होती हैं, सभी में ये ज़्यादातर लगा रहता है, क्योंकि वो टारगेट देते हैं, टारगेट देते हैं, सभी जो कंप्यूटर होता है उसके सामने ये लाइन लगी होती है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की भी हार नहीं होती। दोस्तों एक कोशिश और कीजिए आप, मैं तावे से कह रहा हूँ, एक कोशिश और कीजिए, क्योंकि आप 99% सक्सेस हैं, 99% सक्सेस हैं, केवल 1% की वजह से दोस्तों बुजदिल मत बनना, वरना लोग आपको नामर्द कहेंगे। नामर्दगी का काम मत करना आप बिल्कुल भी, दिखा दो दुनिया को यू कैन विन, यू कैन डू, आई कॉन डू इट। दोस्तों सब कुछ कर सकते हो आप, कितना दोस्तों ये दुनिया जीत सकते हो आप। अगला थॉट देखते हैं दोस्तों, देखो हरिवंश राय बच्चन जी हैं जो क्या कह रहे हैं, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, आप असफल हो चुके हैं उसको स्वीकार करो, ठीक है भाई मुझे गलती हुई है, कहीं ना कहीं सही गाइडेंस नहीं मिला, मैं पढ़ता गया सही गाइडेंस नहीं मिला, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक नए सफल हो नींद चैन को त्यागो, समझे दोस्तों आप, जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो, तुम संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो। फिर कहा उन्होंने, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। दोस्तों आज की क्लास में मैं बहुत सारे आपको थॉट लाया हूँ, ताकि आप में जरूर भर सके, जोश भर सके, और नई ऊर्जा के साथ में आप जो है तैयारी में लग जाइए। दोस्तों एक और आपके सामने है, जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, पर 1 मिनट में लिया गया फैसला जिंदगी बदल देता है। दोस्तों बदल दो जिंदगी आज ही, कह दो आज ही करना है मुझे, कबीर साहब का दोहा याद कर लीजिए दोस्तों, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो दोस्तों वो जिन के आप कहोगे ना कल करूंगा, कल का छोड़ दो, आज और अभी से तैयारी करो। मैंने भी अपने जो कोर्स के स्टूडेंट हैं उनको कह दिया कि भाई 4 रजिस्टर तैयार करो, डेली टेस्ट करवा रहा हूं मैं 2 सवाल का, एक मिक्स का टेस्ट बनाओ, सबको लिखो, आप डेली 200 सवाल लिखोगे, एक एंशेंट का बनाओ, एक मिडिवल का बनाओ, एक मॉडर्न का बनाओ, एक पेपर फर्स्ट का बनाओ। दोस्तों थोड़ा बहुत खर्च कर लो आप, जो खर्च करोगे शिक्षा पर वो कई गुना मिलेगा, जिंदगी भर मिलेगा। 30,000 रुपए की दोस्तों मैंने किताब खरीद रखी है, मैंने शिक्षा के ऊपर मैंने खर्च किया है, मुझे GRF मिला था तब। तो आप भी थोड़ा सा खर्च कीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कामयाबी इन 6 चीजों की डिमांड करती है। किस किस की डिमांड करती है? हद से ज्यादा मेहनत की डिमांड करती है, हद से ज्यादा मेहनत, जुनून, जोश,
बुरी आदतों को दोस्तों त्यागो। कल कर लूंगा भाई, परसों कर लूंगा, नहीं मुझे नींद आ रही है। अरे भाई, जिसे जुनून होता है सवार उसको नींद नहीं आती भाई, उसको नींद नहीं आती है। उसके बाद में संघर्ष करने की हिम्मत होनी चाहिए दोस्तों। बुजदिल मत बनना, मैं कह रहा हूँ बुजदिल मत बनना, बुजदिल बनने का समय नहीं है, क्योंकि फरवरी में एग्जाम आने वाला है। 99% बता रहा हूँ मैं, लग जाओ। जो जुनून आप में है अभी उसको लगातार करते रहो। उसके बाद अपने काम पर विश्वास करो दोस्तों। पढ़ तो रहे हैं बच्चे, मैं हो जाऊंगा, मैं हो जाऊंगा पास या नहीं होऊंगा। यार ये क्या है, ये क्या ड्रामा है। खुद लोग मोटिवेट नहीं होते दोस्तों, सबसे बड़ा मोटिवेशन खुद होता है इंसान। जबकि क्या करते हैं लोग, खुद डीमोटिवेट होते हैं। यार मैं हूंगा या नहीं हूंगा पता नहीं, यार क्या ड्रामा करते हैं लोग बताइए। ये ड्रामाबाजी छोड़ दो दोस्तों, आप ये ड्रामाबाजी का समय नहीं है, वरना हर बार आपसे निकलते रहेंगे लोग बाग, 6% निकलते रहेंगे, आप देखते रह जाओगे क्या हो रहा है। चौथा काम, अपने काम पर विश्वास करो। पांचवा, धैर्य रखने की काबिलियत दोस्तों। धैर्य जरूरी है, धीरे धीरे सब आसान लगने लगेगा। अभी आपको लग रहा है बहुत बर्डन, बहुत बड़ा कोर्स है जी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अपने काम के प्रति जुनून दोस्तों रखना चाहिए, जिसमें जुनून नहीं, जिनमें गरम खून नहीं दोस्तों, वो इंसान नहीं है, वो बुजदिल है, वो कायर है। कायर नहीं बनना अभी आपको, ठीक है। और देखते हैं मोटिवेशन दोस्तों। तीन बेहतरीन सलाह आपके लिए, सोचो मत शुरुआत करो, सोचो मत अभी से शुरुआत करो, कल नहीं, कल के लिए मत सोचो, कल कर लूंगा, आज ही करो, अभी करो, रजिस्टर बनाओ, बुक उठाओ, वादा मत करो, साबित करो दोस्तों। किसी से वादा मत करो, वादा टूट जाता है, कहते ना भाई वादा तो टूट जाता है, फिल्म का गाना एक, साबित करके दिखा दो दोस्तों। जितने भी देखो जेरब किया है, नेट किया, जो मेहनत की है वो साबित करके दिखाते हैं, वो किसी से बहसबाजी नहीं करते। बताओ मत किसी को, करके दिखाओ, बताओ मत किसी को कि मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, करके दिखा दो, ठीक, करके दिखा दो, ठीक है, करके दिखा दो दोस्तों। कहते हैं ना भाई तैयारी इतनी शांत तरीके से किया करो दोस्तों कि जो रिजल्ट है ना आपको धूम मचाए। आगे बढ़ते हैं। अधिकतर महान लोगों ने अपनी सबसे बड़ी सफलता अपने सबसे बड़ी विफलता के बाद हासिल की है दोस्तों। 94% बच्चे यूजीसी नेट जैसे एग्जाम में फेल हो गए हैं। वही तो दोस्तों एक शुरुआत है, उत्थान करने की, कुछ हासिल करने की, दुनिया में नाम कमाने की, प्रसिद्धि हासिल करने की। असफलता ही दोस्तों सफलता का मार्ग है। जिसने असफलता नहीं प्राप्त की दोस्तों, वो सफल का मजा नहीं ले सकता। आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन हिल बोलते हैं इस बात को, बहुत बड़े लेखक हैं। उसके बाद सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सही दिशा में मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई पता नहीं है कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना है, अटरम सटरम क्या पढ़ते रहते हैं दोस्तों। पढ़िए, सही डायरेक्शन पढ़िए, ठीक है। जरूरी नहीं है महंगा कोचिंग सेंटर आपको सही पढ़ाएगा दोस्तों। एक चवन्नी छाप दोस्तों, मुझ जैसा यूट्यूबर भी जो है आपको ऐसा नेट जरब करवा सकता है। बेशक मेरे कोर्स का दोस्तों प्राइस कम है, क्योंकि मैं दोस्तों ऐसी कंडीशन से निकला हूं। मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, उनकी हेल्प की जाए। इसका एक नेगेटिव प्रभाव यह भी है कि लोग सोचते हैं ये इतना सस्ता करा रहा है, पूरे भारत में 10% भी पैसा नहीं ले रहा, ये क्या करवाएगा पैसा, क्या करवाएगा तैयारी। कई प्रोफेसर ने मुझे टोका है, मगर यार मैं शिक्षा को व्यापार नहीं बनाना चाहता। आप कहोगे पैसे तो लेते हो दोस्तों, देखो पैसे तो एक मेहनत करता हूँ थोड़ा सा, मैं ज़्यादा करता हूँ थोड़ा सा पैसा लेता हूँ, ताकि जब तक मेरी जॉब ना लगे दोस्तों तब तक मैं खर्चा पानी चलता रहे,
उसके बाद एक नया थॉट है, खुद को किसी से कम मत आंकना। दोस्तों आपके अंदर वो ज्वालामुखी भरा पड़ा है, आप कहो तो सही, आप उसको देखो तो सही, आप समझो तो सही कि क्या है मेरे अंदर जुनून। लावा फूट पड़ेगा दोस्तों, लावा फूट पड़ेगा। आप अगर आप सोचो तो सब कुछ कर दोगे, आप दुनिया में सब कुछ पा सकते हो। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे आप पा नहीं सकते हो। नया थॉट देखते हैं, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। दोस्तों अभी आप फेल हुए हो तो मन से हार गए हो, मन से नहीं हारना आपको, मन से जीतना है आपको, मन से तैयार होना है आपको। मोटिवेशन स्पीच हम इसलिए लाए हैं ताकि आप मोटिवेट हो सको, प्रेरणादायक हो सको दोस्तों, कुछ फैसला ले सको आप जिंदगी में। आगे बढ़ते हैं, भूल जा अपने बीते हुए कल को और खुद पर विश्वास कर, तेरा कल खुद ब खुद बदल जाएगा, तू बस अपने महत्व पर अपने आज पर मेहनत कर, अपने आज पर। दोस्तों आज से ही आपको जो है लग जाना है, सोचना है कल ही एग्जाम है, परसों एग्जाम है। दोस्तों आप ये सोचना कि जैसे कल ही एग्जाम हो, नहीं जाना आपको 6 महीने बाद, आपको कल ही एग्जाम सोचना है। इसलिए दोस्तों मैं हर एक बच्चों को मैं कहता हूँ, अपने कोर्स वाले बच्चों को सबसे, कि दोस्तों ये समझो मैं जो एग्जाम करवा रहा हूँ डेली 200 सवाल का इतिहास का और 50 नंबर का फर्स्ट का, ये सोचिए कि यही एग्जाम है आपका। एक और दोस्तों थॉट देखते हैं, ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। सफर जारी रखो मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सफर जारी रखो, सफर से पीछे मत मोड़ना, सफर से भटक मत जाना, लक्ष्य को सीधा देख रहे हो आप, नेट जरफ, बिल्कुल नेट जरफ। उसके बाद एक और थॉट देखते हैं, जिंदगी में मुसीबत आए तो कभी मत घबराना, गिरकर उठने वालों को ही तो बाजीगर कहते हैं। दोस्तों आप गिर गए हो तो ये मत समझना कि मुझसे बेकार कोई नहीं है। दोस्तों आप ही तो बाजीगर बनोगे कल के बादशाह आप ही हो, ठीक है। आगे देखते हैं, एक और थॉट आपके लिए, आप घबराओ नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कहते हैं दोस्तों ऑल इज वेल, अच्छा होगा, अच्छा हुआ और कल को भी अच्छा होगा जब आप नेट जरब कर लोगे। एक और थॉट देखते हैं आपके लिए, जो हो नहीं सकता वही करके दिखाना है। दोस्तों संदीप माहेश्वरी जी कहते हैं, जो हो नहीं सकता वही करके दिखाना है। यार जो आप कहते हो ना कि आप कह चुके हो कि मैं मेरे बस की नहीं है, नहीं भाई झूठ बोल रहे हैं आप। संदीप माहेश्वरी जी कहते हैं, जो हो नहीं सकता वही करके दिखाना है आपको। यार अब बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना, हताश नहीं होना, कायर नहीं बनना, बुजदिल नहीं बनना आपको, अब करके दिखा दो। देखो दोस्तों जिनके पास इरादे होते हैं उनके पास बहाने नहीं होते, बहाने मत बनाओ बहाने मत बनाओ भाई, सब कुछ करोगे आप। जिस दिन नेट जर्फ होगा ना, मेरी बात को याद रख लेना भाई, कि एक चवन्नी छाप यूट्यूबर ने कुछ कहा था हमसे दोस्तों, ठीक है। आज की वीडियो बहुत ही मोटिवेट है। देखो एक और देखो, जिंदगी जियो जिंदा दिली से, हारना कभी, ठीक है, हारना मत कभी बुजदिल से, बुजदिल मत बनो भाई आप। अगर दोस्तों अगर जीना है जिंदगी तो जिंदा दिली से जियो, शांत से जियो। आगे देखते हैं एक और थॉट आपके लिए, ताकि आप मोटिवेट हो सको, संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही इस संसार को बदलता है, जिसने अंधकार मुसीबत और दुख से खुद से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है। दोस्तों निकलोगे आप सूर्य बनकर, डगना नहीं, भटकना नहीं मार्ग से, लक्ष्य को प्राप्त करते रहना है। विवेकानंद जी कहते हैं अगर दोस्तों अगर लक्ष्य प्राप्त करने तक मुझे अगर दोस्तों पैदल चलना है तो दौड़िए आप, अगर मुझे दौड़ने पैदल चलना नहीं आता तो दौड़िए आप, दौड़ना नहीं आता तो उड़िए दोस्तों, मगर लक्ष्य तक पहुंचिए आप, चलते रहिए, रुकना नहीं है आपको।
उसके बाद एक और मोटिवेशन, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, सबसे फेमस है ये, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ने बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों चिंता ना करना, मेरी इस वीडियो को पूरी देखना और याद करना कि भाई मैंने कुछ बोला था, ठीक है। एक और देखते हैं, जुनून ऐसा रखो कि लोग तुम्हें पागल समझें। दोस्तों पागल बन जाओ शिक्षा के प्रति, आप जैसे पागल ही तो दोस्तों नेट जरब करते हैं, ठीक है। पागल बन जाओ बिल्कुल, दीवानगी दिखा दो, मोहब्बत करो किताबों से, दोस्तों शिक्षा से मोहब्बत करो, प्यार करो, इश्क करो किताबों से। अगर बेवफा निकलेगी दोस्तों तो कुछ बना के निकलेगी तुम्हें, अगर किताब बेवफा निकली तो आपको कुछ बना के जाएगी, आपका करियर खराब करके नहीं जाएगी। एक और मोटिवेशन देखिए, जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारे हार का इंतजार करते हैं। बहुत लोग दोस्तों आपसे चिढ़ते हैं, बहुत लोग आपको ताने मारते हैं, उनको दिखा दो आपकी बार, आर्या पार कर दो, उनको दिखा दो, उनके मुंह पर तमाचा मार दो कि ये देखो सर्टिफिकेट, उनके मुंह पे मार दो, ये लो देखो मेरा सर्टिफिकेट पास का। एक और देखते हैं, हुनर तो सब में है, फर्क सिर्फ इतना है किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। दोस्तों आप अब छपने वाले बन जाओ, छिपने वाले नहीं, छपने वाले बन जाओ, आपको छपना है, दुनिया में छाना है आपको। एक और थॉट देखते हैं, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है, जिंदगी खेलनी उन्हीं के साथ, जिंदगी खेलती उन्हीं के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दोस्तों आप बेहतरीन हैं, मगर आप निराश मत होना। देखो जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है, मगर उस पर जो चलता है वो पार जरूर होता है, ठीक है, पार जरूर होता है। एक और थॉट, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमान कभी आएगा जमीन पर, बस इरादा में जीत की गूंज चाहिए। दोस्तों देखो आज की जो मोटिवेशन वीडियो है वो आपके लिए है, जितने भी सभी सब्जेक्ट के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पास हुए हैं चाहे वो फेल हुए हैं, सभी के लिए जो है एक मोटिवेशन वीडियो है। एक और देखते हैं, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं, ठीक है। दोस्तों याद रखिए मेरी बात को, ये सभी मैंने जो है आपके लिए बनाया है। कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं होती, माथे के पसीने में होती है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि जुनून जोश लगन के साथ में पढ़ते रहिए, पसीना का इंतजार मत करिए, ठीक है। दोस्तों इस बात पर कहानी एक याद आई मुझे कि मैं जब मेरा गांव में मकान था, तो जहाँ मैं पढ़ता था, मोटी सी मेरी किताब थी तो मैं पढ़ता था, मेरे पास में पंखा नहीं था, बहुत गर्मी थी, उसमें जून जुलाई का पेपर था तो बहुत तेज़ गर्मी थी। दोस्तों मैं बिल्कुल लबालब पसीना से भरा हुआ था, एक पड़ोस का एक आदमी आया, बोला यार, वो चकित रह गया, इतनी गर्मी में इतने पसीने में दोस्तों मैं पढ़ रहा था अकेला, बोला यार तुम क्या कर रहे हो। मैं बोला ललित जी ये आज जो पसीना है ना, ये कल जो है ना एसी बिठाएगा मुझे, यानी कि यही तो कामयाब बनाएगा मुझे। एसी का मतलब दोस्तों ये था कि यही तो मुझे कामयाब बनाएगा कल। आज मैं बेशक इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं पसीना नहीं देख रहा, गर्मी नहीं देख रहा, दोस्तों यही तो मुझे कामयाब बनाएगा। तो आप भी इस चीज़ को मानिए। एक और देखते हैं, किसी और के कदमों पर चलकर नहीं बदलती जिंदगी, किसी और के कदमों पर चलकर नहीं बदलती जिंदगी, खुद की अलग कहानी बनानी होती है, बाकी क्या कर रहे हैं क्या लेना उससे, जिंदगी तो अपनी सुलझानी होती है। एक और देखते हैं दोस्तों, ठीक है, अगर देखो दोस्तों, अगर आपको मेरी इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगर आपको लगा कि भाई मेरी वजह से, मेरे दो चार थॉट की वजह से कुछ आपको महसूस हुआ कि हाँ पढ़ना चाहिए, तो लाइक करना, कमेंट करके बताना ज़रूर कि भाई कुछ आपको दिल में धक धक हुई या नहीं हुई, दिल में चुभी बात या नहीं चुभी। अगर दोस्तों, अगर किसी को, देखो मैं फिर बोलूँगा कि देखो, सेल्फ स्टडी और कोचिंग, मैं नेट हिस्ट्री पढ़ाता हूँ दोस्तों। देखो बहुत सस्ता कोर्स है, 6 महीने का कोर्स 3,000 रुपये का है, 1 साल का 4 का है, 2 साल का 5,000 रुपये का है, ठीक है। कितना सस्ता कोर्स है, सेल्फ स्टडी कीजिए कोई बात नहीं, थ्योरी पढ़िए, ठीक है। थ्योरी के बाद में टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शर्ट लगाइए, आप प्रैक्टिस शर्ट भी दोस्तों हमारे ले सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। थ्योरी प्रैक्टिस सेट और पेपर वन की थ्योरी और उनके प्रैक्टिस लगाते रहिए, दिन रात करते रहिए दोस्तों, ठीक है। सफलता मिलेगी ज़रूर। अगर आपको मेरे मुझसे बात करनी हो, हमारा नंबर है 8755475312 और 8218345167 संपर्क कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। अगर मुझसे दोस्ती करनी हो आपको, तो इन नंबर पर संपर्क कर लेना, ठीक है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो सुनने के लिए। अगर किसी ने पूरी देखी हो तो दोस्तों ज़रूर बताना, और क्या आपको अच्छा लगा, कौन सा थॉट अच्छा लगा, ठीक है, ज़रूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद JB स्टडी पॉइंट की तरफ से आपको भी। शुक्रिया। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।